और फाइनली मैंने जो है परचेज कर लिया है रियलमी वॉच एस मास्टर एडिशन। तो चलो करते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है। जो बॉक्स है वो तो काफ़ी मोटा तगड़ा सा है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसको ओपन करने के। थोड़ा डिफरेंट सा कुछ प्रोडक्ट आया है, फ़ोन मतलब काफ़ी बोरिंग हो जाता है। तो चलो इसको फटाफट अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है इस बॉक्स के अंदर। तो गाइज ये है रियलमी वॉच एस का मास्टर एडिशन का बॉक्स, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कुछ शाइनी सा बना हुआ है। यहाँ पे रियलमी है, रियलमी के नाम के बीच में डायल बना हुआ है वॉच का। तो यहाँ पे जो बॉक्स के ऊपर कवर है यहाँ पे हमें थोड़ा सा टेक्सचर देखने को मिल जाता है, अगर आप देख पाएँ तो। तो यहाँ साइड पर लिखा हुआ है रियलमी ग्राफ्लेक्स, जो है वो साउथ कोरियन आई थिंक डिज़ाइनर है। और पीछे की साइड यहाँ पे हमें थोड़ी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। रियलमी वॉच एस कलर ब्लैक है स्मार्ट वॉच। प्राइस जो इसका यहाँ पे लिखा हुआ है वो है, एमआरपी जो लिखी हुई है वो है 9000, और मंथ एंड ईयर ऑफ इंपोर्ट इसका है फरवरी 2021। तो बॉक्स के अंदर मिलता है रियलमी वॉच एस एक यूनिट, चार्जिंग केबल, यूज़र मैनुअल, एक वॉच स्ट्रैप भी मिलता है अलग से, और एक कार्बन स्टिकर्स मिलते हैं, और यहाँ पर डायमेंशन भी दी हुई हैं नीचे। तो ऊपर से तो बॉक्स ऐसा ही है। चलो अब इसको बॉक्स को निकालते हैं अंदर से। तो काफ़ी प्रीमियम एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे मिलता है। तो ये वाला अंदर का बॉक्स जो है ये थोड़ा सॉफ्टर मटेरियल है, मतलब प्रीमियम वाली फील आ रही है इसमें। तो यहाँ नीचे की साइड लिखा हुआ है रियलमी, और ये थोड़ा यूनिक सा बॉक्स है, और बॉक्स पूरा प्लेन है, यहाँ कुछ और नहीं मिलता। तो चलो इसको ओपन करते हैं। टैं टैं। तो ये जो बॉक्स है मेरे को पूरा डी ब्रांड की याद दिला रहा है। डी ब्रांड के जो थोड़े बहुत बॉक्सेस आते हैं वो भी कुछ इस तरह से ही खुलते हैं। तो सबसे ऊपर हमें मिल जाती है यहाँ पे वॉच, जो काफ़ी स्टाइलिश लग रही है। तो यहाँ नीचे की साइड एक हमें जो है पुल टैब यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है। तो इसको एक बार खींच के देख लेते हैं इसमें क्या है। हो वाओ, तो इसको करते हैं साइड में। तो ये तो है हमारी वॉच, वॉच को निकाल लेते हैं। तो वॉच वॉच को मैं भी रखता हूँ यहाँ पे, और देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या मिलता है हमें। अगर इस बॉक्स में बस यही था और कुछ हमें इसमें नहीं मिलता है। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी मोटा मतलब बॉक्स बनाया हुआ है, और ये मतलब ओपन नहीं होता है। तो बस यहाँ से ही जो ये निकला है हमें यही सामान एक्स्ट्रा मिलता है। तो इसको मैं बंद करके साइड पर रख देता हूँ। तो बॉक्स को मैंने जो है रख दिया है साइड में। यहाँ पर हमारी है वॉच, और यहाँ पर है कुछ एडिशनल यहाँ पर जो हमें मिलता है इसके साथ। तो वैसे सबसे ऊपर हमें यहाँ पे मिल जाता है एक बॉक्स, और इस पर यहाँ पे स्माइली बना हुआ है, साथ में लिखा हुआ है रियलमी। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। ओके, तो ये पीछे की साइड से ऐसे आराम से खुल जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ मिलती है एक छोटी सी यूज़र मैनुअल, और साथ ही में हमें मिलते हैं यहाँ पर कुछ रियलमी के स्टिकर्स। तो गाइस मास्टर एडिशन में हमें एक एडिशनल स्ट्रैप भी मिलता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो स्ट्रैप है काफ़ी मतलब फंकी सा है, तो काफ़ी लोग इसको मतलब ऐसा भी कह रहे थे कि मतलब बच्चों की वॉच लग रही है। तो जैसे कभी आपका कुछ रंगीन मिजाज हुआ तो आप पहन सकते हो ये वाला स्ट्रैप। बट आई थिंक जो साथ में यहाँ पे ऑलरेडी मिलता है एक और स्ट्रैप, ये काफ़ी मतलब इतना बच्चों वाला तो नहीं है, और मतलब इतना कुछ फंकी भी नहीं है, काफ़ी सही लग रहा है एक्चुअली। ये थोड़ा डिफरेंट है, हर बार ब्लैक ब्लैक या एक ही कलर के स्ट्रैप पहन पहन के मतलब बंदा बोर तो हो ही जाता है। तो सही है, थोड़ा डिफरेंट है ये। तो यहाँ पे अंदर बॉक्स में एक और बॉक्स मिलता है, और इसमें प्रॉब्ली होगा हमारा चार्जर। तो हाँ जी, यहाँ पे जो है हमें मिलता है रियलमी का वॉच का चार्जर। यहाँ USB-A पोर्ट है, सी नहीं है। तो गाइस बस ये सब है जो मिलता है हमें वॉच में मास्टर एडिशन में। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है वो आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, तो आप देख सकते हो आपको वर्थ लगता है कि नहीं। आई थिंक एक अगर आप कुछ कलेक्शन रखना चाहते हो, रियल मी के फ़ैन हो, तो आपको मतलब ये चीज़ काफ़ी सही लगनी चाहिए। एक तरह से अपने फेवरेट ब्रांड की जो है कलेक्शन हो जाती है, अदरवाइज़ आपके पास नॉर्मल एडिशन तो है ही अगर आपको वॉच चाहिए तो। गाइज़ ये है रियल मी वॉच एस मास्टर एडिशन, और आप यहाँ देख सकते हो जो बॉडी है यहाँ पर वो हमें एल्यूमिनियम एलॉय की यहाँ पर बॉडी मिलती है, और जो बैंड का मटीरियल है वो है सिलिकॉन, और काफ़ी सॉफ्ट है। इसको अगर मैं ऐसे करूं तो आराम से दब रहा है। तो चलो सबसे पहले इसका स्टिकर निकाल लेते हैं यहाँ से।
तो कुछ इस तरह से दिखती है हमारी Realme Watch S। तो यहाँ पे हमें दो बटन मिल जाते हैं, एक है पावर बटन, एक है शॉर्टकट बटन। और पीछे की साइड जाके देखें तो यहाँ पे सेंसर्स वगैरह जो हैं वो सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। और स्ट्रैप भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं इजीली यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको निकाल के हम कोई भी और दूसरा स्ट्रैप जो कंपैटिबल हो वो लगा सकते हैं इसमें। तो एक बार चलो इसको पहन के ट्राई कर लेते हैं। तो गाइस देखने में तो एकदम सही लग रही है, ऐसे कुछ बुरी तो नहीं लग रही बिल्कुल भी। चलो इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी बात लगी कि यहाँ पे इंग्लिश के साथ हमें यहाँ पे हिंदी का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं तो इंग्लिश ही सिलेक्ट करूँगा। अब ये कह रहा है स्कैन QR कोड टू डाउनलोड ऐप। तो Realme Link ऐप आई थिंक मेरे को डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो मैं फ़ोन लेके आता हूँ अपना फटाफट। तो गाइस जो यहाँ पे Realme Link ऐप मैंने है ओपन कर ली है, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्कैन करके जो ऐप है उसने अपने आप स्कैन कर लिया है वॉच को। तो अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इज कनेक्टिंग, एग्री टू बाइंड, यस। तो बाइंड जो है फटाफट सक्सेसफुल हो गया, डिवाइस पेयर्ड। ओके, तो फटाफट जो है मैं इसको सेट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है मैंने इनिशियल सेटअप जो है वो कर लिया है, और यहाँ पे स्ट्रेट अवे हमारे पास जो है एक अपडेट भी आ गई है। तो फटाफट यहाँ पे इसको पहले अपडेट ही कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हो न्यू वर्जन अवेलेबल 41.0। तो वॉच जो है वो अपडेट हो रही है। तो इस वॉच पे जो है हमें एमोलेड स्क्रीन नहीं मिलती, यहाँ पे TFT LCD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलता है। और उस वजह से जो साइड एंगल हैं वो मतलब इतने ज़्यादा ब्लैक नहीं है, बट प्राइस के हिसाब से फिर भी काफ़ी सही लग रही है। तो यहाँ पे जो है फ़ोन पे दिखा रहा है अपडेटेड, और वॉच पे अभी अपडेटिंग हो रही है, मतलब रीस्टार्ट हो रही है वॉच। तो फाइनली अपडेट जो है वो ख़त्म हो गई है। तो यहाँ चलते हैं बैक कनेक्टेड, और जो यहाँ पे वॉच की जो इनिशियल बैटरी है वो 97% दिखा रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं रियलमी वॉच एस के लिए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ फेस गैलरी, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। हम कस्टम अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं। तो कॉल रिमाइंडर्स, तो यहाँ पे साथ में हमें मिलता है गेटअप रिमाइंडर। तो अगर बहुत देर तक अगर आप बैठे हुए हैं तो आप को रिमाइंड आ जाएगा कि ये थोड़ा चलने की ज़रूरत है। वाटर रिमाइंडर भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें 24 आवर की हार्ट रेट मॉनिटरिंग मिलती है। तो ऑब्वियसली ये बैटरी काफ़ी ड्रेन करेंगी, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन मिले हुए हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाई हार्ट रेट अलर्ट भी आ जाए, लो हार्ट रेट का जो है वो भी अलर्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो म्यूज़िक प्लेबैक कंट्रोल का भी ऑप्शन है, हम यहाँ से कैमरा भी कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही में यहाँ पे फाइंड माई फ़ोन का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे है वेदर, तो यहाँ पे हम अपना डेली स्टेप्स का गोल सेट कर सकते हैं। बाकी बस यही जो है ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलते हैं। बाकी ये जो UI है यहाँ पे हमें हार्ट रेट, स्लीप और स्टेप्स का डेटा जो है वो देखने को मिल जाता है। SpO2 का भी सपोर्ट है, और एक्सरसाइज के लॉग्स भी यहाँ पे हैं। तो ये तो थी ऐप, अब हम जो है वॉच चेक कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमें कस्टम वॉच फेस देखने को नहीं मिलता है, मास्टर एडिशन वाला, जो कि थोड़ा अजीब सी बात है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिल जाती है ऐप्स में क्लॉक, तो यहाँ पे हम अलार्म सेट कर सकते हैं। तो फिर है सेटिंग्स, साथ में उसके बाद है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के अंदर हमें यहाँ पे जो है, तो सबसे पहले हमें मिलता है आउटडोर रन, उसके बाद जो है यहाँ पे वॉक का ऑप्शन है, इंडोर रन, आउटडोर साइकिल, एरोबिक कैपेसिटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इंडोर साइकिल, एलिप्टिकल, योगा, क्रिकेट, रोइंग मशीन, स्टेशनरी बाइक। तो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाते हैं। साथ उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे वेदर, देन हार्ट रेट, देन मेडिटेशन का ऑप्शन मिल जाता है, साथ में म्यूज़िक प्लेयर, SpO2 आई थिंक, देन
ये है स्लीप और स्टॉपवॉच भी है इसमें, और यहाँ पे कुछ टाइमर का भी है। ओके, तो यहाँ पे फाइंड माय फ़ोन और साथ में यहाँ पे जो है कैमरा का कंट्रोल भी मिल जाते हैं। तो गाइस फाइनली मेरे को कस्टम वॉच फेसेस मिल गए हैं, जो यहाँ पे देखो आप सबसे एंड में दो दिए हुए हैं। एक तो ये रियलमी मियाओ के भी यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। एक बार पहले ये लगा के देख लेते हैं, तो ये भी काफ़ी सही सा है। फंक्शनैलिटी वाइज तो अभी फ़ोन से जो भी लिंक है, कनेक्टिविटी है, वो काफ़ी सही से काम कर रही है, मुझे कोई इशू दिख नहीं रहा है इसमें। और अपना तो ये वाला है, अभी तो ये लगा के देख लेते हैं। तो सिंक होने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है इसमें, ब्लूटूथ के थ्रू है तो ये वॉच फेस कुछ ऐसा लग रहा है। और अगर मैं सही बोलूँ तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है स्ट्रैप के साथ, मैच एज सच इतना नहीं हो रहा अगर मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ तो। तो गाइज ये वॉच किड मोड में ऐसी लगती है, जस्ट जोकिंग। तो ये दूसरा स्ट्रैप है हमारा, और इसके साथ ये कस्टम वॉलपेपर जो हमें मिलता है वॉच फेस, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है ग्रे वाले से एक्चुअली में। तो यहाँ पे जो है हार्ट रेट मेजर हो रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे SPO2 का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो उसको भी एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं। 99%, चलो सब कुछ सही है। तो मैंने एक्चुअली रियलमी की वेबसाइट से ये लेदर बैंड भी जो है ऑर्डर कर दिया था, ये अराउंड 1000 rupees का है। तो इसको भी फटाफट लगा के देख लेते हैं एक बार कैसी लग रही है वॉच। तो गाइस ये वॉच कुछ ऐसी लगती है लेदर स्ट्रैप के साथ, तो मुझे तो काफ़ी बढ़िया लग रही है लेदर स्ट्रैप में, आप देख के बताओ आपको कैसी लग रही है। तो जो ये रेस टू वेक है ये काफ़ी सही से काम कर रहा है, और साथ में जो हैप्टिक फीडबैक है वॉच का वो भी सही से काम कर रहा है, सही लगा मुझे। ना ही ज़्यादा पावरफुल लगा, ना ही ज़्यादा वीक लगा, तो बीच में है, सही है एकदम। तो गाइस यहाँ पे सेटिंग में हमें कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं सेलेक्ट करने के लिए, जैसे कि वेक स्क्रीन ऑन, इसको हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं स्क्रीन, वेक स्क्रीन को रिस्ट रेज करने पे। कॉन्टीन्यूस हार्ट रेट का ऑप्शन मिल जाता है, डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ ही में हमें यहाँ पे स्क्रीन ऑफ टाइम भी जो है वो देखने को मिल जाता है, 5, 10 और 15 सेकंड के ऑप्शन मिलते हैं। और सेटिंग्स में जनरल में हमें डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस तो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस चाहिए या हमें लो ब्राइटनेस चाहिए। तो नेक्स्ट वाइब्रेशन इंटेंसिटी का भी ऑप्शन मिल जाता है, लो मीडियम और हाई, तो मीडियम मुझे ठीक ही लगी। और पावर, साथ में यहाँ पर पावर सेविंग मोड का भी ऑप्शन हमें मिल जाता है। तो सिस्टम में जाके हमें यहाँ रीस्टार्ट, पावर ऑफ, रीसेट का भी ऑप्शन मिल जाते हैं, और अगर अबाउट में जाएं तो यहाँ पे हमें सारा जो है वॉच की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। तो बस गाइज ये थी रियलमी वॉच एस मास्टर एडिशन। तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी वॉच। मेरे को तो ये मतलब लेदर स्ट्रैप के साथ काफ़ी सही लग रही है, एलुमिनियम अलॉय बॉडी सही लग रही है एकदम। बस आप मेरे को बताना आपको कैसी लगी। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।